अभी हम जा रहे हैं रामदेव बाबा टेम्पल। और आपको जैसे कि बता दूं कि अभी हम निकलने वाले हैं, अभी सब जैकेट वैकेट पहन कर, तो इसलिए सीधा हम मंदिर में मिलते हैं। आए हैं मंदिर, और ये देख सकते हैं मेरे पीछे इतनी सारी सीढ़ियां हैं ऊपर तक। रुद्रू तो भाग चुका है, और ये है सीढ़िया, इतनी सारी सीढ़िया। वो है मंदिर हमारा, और वो है पहाड़िया। चलिए पहुंचते हैं उधर तक। तो हम आ गए ऊपर तक, इतने सीढ़ा चढ़ के। हालत पूछो मम्मी, चढ़कर इतनी सारी सीढ़ियाँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, दर्शन करने तो कुछ भी कर सकते हैं। ये तो बड़ा मुश्किल चढ़ गया, उसे तो कुछ नहीं है। तो चलिए करते हैं प्रवेश। मुश्किल से वीडियो बना पा रहे हैं इधर। और ये है रामदेव बाबा, और ये रहा इनका घोड़ा। ये बिल्कुल पहाड़ों पे बना हुआ है, ऊपर से आप देख सकते हैं ऐसे डिज़ाइंस। और वो होती है हमारी एंट्री, उधर से हम आए हैं, उधर से लेकर इधर तक। और अभी हम करेंगे निकास यहाँ से, और शायद से निकास उधर से है, तो अभी देखते हैं। तो अभी हम डाल रहे हैं भेंट, आप देख सकते हैं अब वो पूरा मंदिर कैसा पहाड़ों में बना हुआ है। तो ये था हमारा रामदेव मंदिर, और ये देखिए क्या खूबसूरत डिज़ाइंस करी है ऊपर। इधर बालकनी टाइप सा भी कुछ है। और तो मम्मी कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पुराने दिन याद आ गए। बहुत साल पहले मैं आई थी अपने रामदेव बाबा के मंदिर। इस मंदिर में खासियत है कि आप दिल से कुछ भी मांगो, आपकी मनोकामना पूरी होती है, और ये बिल्कुल सच है। और जब आप मांगोगे तो आप उसके बाद ये बोलोगे कि मैं वापस दर्शन करने आऊँगी, और उस इस मन्नत को पूरा करने के लिए फिर आपको वापस आना भी पड़ता है, जैसे आपकी मन्नत पूरी होती है। ये बहुत ज़रूरी है। मैं क्या मान लू तो पता है, बहुत मान्यता है इसकी। मैं क्या मान लू तो पता है? क्या मांगोगे? लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी, ओके, लैम्बोर्गिनी मांगेगा। तो चलिए अब मैं भी दर्शन कर लेती हूँ। हमने कर लिए है दर्शन, और अब हम जा रहे हैं वापस नीचे। ओ गॉड, है ना, छत पार करके जा सकते हैं इधर। ये देखिए, एक छत स्टार्ट होती है, वो दूसरी छत पे चले जाते हैं, छत पार करके चले जा गए। तो सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम आ गए हैं नीचे। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। हम बैठ गए हैं इलेक्ट्रिक ऑटो में, तो अभी हम जा रहे हैं इधर की फेमस मिर्ची वड़ा लेने के लिए, जो चौधरी का है, सरदारपुरा में, सरदारपुरा में। तो अभी हम उधर लेने जाएंगे, फिर हम घर जाएंगे। जा रहे हैं चौधरी के मिर्ची बड़े वाली दुकान पे, तो चलिए चलते हैं। ये शॉप बहुत मामूली है, पर इनके जो मिर्ची बड़े हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट है, आप ज़रूर खाइए। ये दिखा दे, ये बन रहा है मिर्ची बड़े, यहाँ पे
फेमस शॉप इन जोधपुर चौधरी मिर्चीलाल। सब आ गए हैं आखिरकार घर पे और अब सब लेटेंगे। तो हमने बहुत मज़े करे उस मंदिर में और जो ऑटो थी वो भी बहुत मज़ेदार थी, जो बहुत बैटरी वाली थी, इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी। उसका एवरेज आई थिंक 100 किलोमीटर के आसपास चल सकती है। और अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा मुझे भी, क्योंकि वो सिर्फ एक ही ऑटो है जोधपुर में, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक ऑटो है जोधपुर में, सिर्फ एक है और वो एक ऑटो में हम बैठे थे। आज के लिए इतना ही गाइस, फिर मुझे प्लीज़ आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ अभी की अभी शेयर करिएगा। बाय बाय गाइस।